अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सुबह उठ के टीथ ब्रश किए थे? किए थे अच्छे से, रोए तो नहीं थे? वेरी गुड, शाबाश। अच्छे से जब आप खाना खाते हैं और नाश्ता करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो खाने से पहले आप हाथ धोते हैं? धोते हैं, शाबाश। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो धुल जाते हैं और हमें जो है वो बीमार नहीं होते हैं, है ना भाई? आप लोग धोते हैं ना, शाबाश। जब भी तो आप लोग रोज़ाना एकदम तंदुरुस्त नज़र आते हैं, मुझे बीमार भी नहीं होते जी। जो बच्चे जो हैं हाथ नहीं धोते हैं ना खाना खाने से पहले, वो अक्सर बीमार रहते हैं, है ना भाई? चले जी, आप लोग तो मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। चले जी मेरे दोस्तों, ज़रा ज़रा ये तो बताइए कि कल जो हमने काम किया था वो आपको याद है? मुकम्मल कर लिया था, कलर भी कर लिया था, पेंसिल भी फेर ली थी, वेरी गुड, शाबाश। और टीचर को भेज दिया था काम अपना, भेज दिया था, शाबाश। अच्छा, जो उसमें मौजूद थी एक नज़म, वो याद है? हाँ, नज़म थी ना जो हम कल पढ़ रहे थे, क्या नज़म थी वो? ज़रा जल्दी से मुझे बताइए कि वो नज़म कौन सी थी। थोड़ी थोड़ी याद है, सही से याद नहीं आ रही है। चलें साथ में पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ ना साथ में। क्या थी हमारी नज़म? अपनी जो है फिंगर्स को निकालने के बाद जो है रुर को जो है हम जो है वो ट्रेस कर रहे थे, पेंसिल पे रहे थे और साथ साथ नज़म पढ़ रहे थे, है ना? तो देखते हैं कि नज़म क्या थी उसकी। क्या थी भाई? रीछे रक्षा लेकर भागा रुर बड़ा ही सीधा साधा, रीछे रिक्शा लेकर भागा रुर बड़ा ही सीधा साधा, रीछे रिक्शा लेकर भागा रुर बड़ा ही सीधा साधा। याद हुई थोड़ी थोड़ी? हाँ, इसको पढ़ते रहा करें साथ साथ घर में, बार बार पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करें और इसको पढ़ते रहें तो याद हो जाएगी। मुझे भी ऐसे याद हुई थी, मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी तो मुझे याद हो गई, है ना भाई? आप भी याद कर लीजिएगा। चलिए जी, अब क्या करें? कल तो हमने काम कर लिया था, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जी, हम अपनी बुक का सफ़ा नंबर 36 खोलेंगे। हमारे पास सफ़ा नंबर 36 मौजूद है और उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं आइकन्स जी। सबसे पहले आइकन्स देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या बना हुआ है। भाई तीन आइकन्स बने हुए, ठीक है, इसका मतलब है तीन काम करने हैं इस सफ़े पे। पहला आइकन है हमारा, कुछ लाइंस बनी हुई हैं, फिंगर यानी कि उंगली रखी हुई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पढ़िए, पढ़िए, यानी कि हमने इस सफ़े पे पहले पढ़ना है, इस सफ़े पे पहले पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आइकन हमसे कह रहा है बुक की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए, यानी कि हमने पेंसिल फेरनी है, शाबाश। आखिर में कौन मौजूद हैं? हमारी मानो बिल्ली मौजूद है। मानो बिल्ली के साथ में क्या रखा हुआ है? रंग रखे हुए हैं। वो हमसे क्या कह रही है? रंग भरिए, रंग भरिए जी, हमें यहाँ पे मौजूद तस्वीर पे रंग भरना है। चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। नहीं, काम स्टार्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? पहले तारीख लिखते हैं, यहाँ पे मौजूद तारीख, यहाँ पे तारीख लिखेंगे और तारीख लिखने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी? ये है रीच, रीच, रीच के शुरू की आवाज़ क्या है भाई? रीच के शुरू की आवाज़, रीच की शुरू की आवाज र, जी रीच की शुरू की आवाज है रीच। अच्छा जी, हमने सफ़े को पढ़ लिया, अब क्या करना था? अब हमने पेंसिल फेरनी थी, अब हम बारी बारी इन र पे जो है वो पेंसिल फेरेंगे। पेंसिल को पहले शॉर्प करेंगे अच्छे से और उसके बाद र पे मौजूद बड़े से नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और देखेंगे हमारा र बन गया। लेकिन र को मिलाते हुए हमने क्या करना है? हमने नज़म पढ़नी है र के, जी भूल नहीं जाना है। और नज़म क्या आती है हमारी? जी रीच रिक्शा लेकर भागा र बड़ा ही सीधा साधा, ये नज़म पढ़ते जानी है, पढ़ते जानी और र को जो आपने पेंसिल फेरती जाने। जब आप पेंसिल फेरते जाएंगे, नज़म पढ़ते जाएंगे तो आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा जी। आप सारे
आवाजों पे जो है आप हाथ भी फेर लेंगे, पेंसिल भी फेर लेंगे और साथ साथ आपको नज़म भी याद हो जाएगी। ठीक है, जब आप बारी बारी हर पे आवाज पे जो है आप नज़म पेंसिल फेर देंगे, आप चाहें तो कलर पेंसिल फेर दीजिए, कोई मसला नहीं, आपको कलर्स अच्छे लगते हैं आप कलर से फेर दीजिए। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मानो बिल्ली का कहना मानेंगे। मानो बिल्ली हमसे क्या कहती है, मानो बिल्ली कहती है जी रंग भरिए। तो हम क्या करेंगे, अपने रंग निकालेंगे सारे, और रंग निकालने के बाद हम पेंसिल शॉप करेंगे, और पेंसिल शॉप करने के बाद हम इस रीच पे रंग भरेंगे। जी रंग भरते हुए ख्याल रखेंगे कि रंग जो है वो रीच से बाहर ना जाए, आहिस्ता 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 कलर करेंगे हम इस पे। जी रंग भरेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये नहीं ऊपर नीचे ये सब दौड़ नहीं, एक ही अंदाज में ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आपके कलर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये सारा काम कर लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे, हम पेंसिल भी फेर लेंगे और हम जो है वो रंग भी भर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जब हम बार बार देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज हमने काम क्या किया था, हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी थी, और हमें नज़म भी याद हो जाएगी। और उसके बाद जब टीचर हमें कॉल करेंगी तो हम टीचर को बताएंगे कि आज हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी थी, उसकी मशक करी थी, उसको लिखना सीखा था, और फिर आप जो हैं अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं हम नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।